अभी हम बैठे हुए हैं माँ के पास और आप लोग का एक कमेंट लगातार आते रहता है जब से अपने भाई को हम अपने ब्लॉग में लाए हैं। तो एक सवाल रहता है कि भाई की शादी कब कर रहे हो, तो कब कर रही है? और यहाँ जिया काम कर रही है, पूरा किचन बिखरा बिखरा हुआ है, सब्जी काटने से लिए बिखरा हुआ, फिर साफ कर देंगे सब्जी काट। और क्या कर रहा है बुआ? गेम खेल रहा है। मैच नहीं देखना है? नहीं दिखेगा। तो जी ये है जिया के पापा। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि जिया के पापा को भी वीडियो में लाइए, उनको कभी नहीं दिखाया। तो जी उनको दिखाया एक दो ब्लॉग में, शायद आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है जब हम अपने ससुराल गए थे, वहाँ पर पूरी फैमिली से मिलवाया था जिया और उसकी पूरी फैमिली से। तो ये है हमारे पापा जी, हाय बोल दीजिए। हाय ऐसे हाय तो जी यह है हमारी साली साहब, जिनको किसी का मोबाइल फ्री मिल जाए झट से मोबाइल उठाएंगे, गेम डाउनलोड करेंगे और खेलना स्टार्ट कर देंगे। आजकल के बच्चों के तरह इन्हें भी लत लगी है मोबाइल की। जी जैसे अपने पापा के साथ व्लॉगिंग करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, ठीक उसी तरह हमारी ससुर जी के साथ भी वही सिचुएशन है। तो हमने क्या किया कि मोबाइल को साइड में रखा और कहा कि चलिए हम लोग कुछ बातचीत करते हैं, यही रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या ये मूंछ रखा हुआ है? लेकिन विरोध हो रहा है इसका, और इसकी भाभी ने इसका इतना टांग खींचा है कि अब सोच रहे कि अब काट ले हम, लेकिन दो घंटा से पहले काटेंगे, दो घंटा से पहले नहीं काटेंगे। और इधर जिया को देखिए, मेरा रोटी जल गया जी। वाह बहुत बढ़िया, दो काम एक साथ हो, कहाँ ध्यान है आपके ऊपर। और यहाँ जो है बड़े बड़े एकदम पकौड़े तले जा रहे हैं। अब जाके नहाइए, सब नहा लिया, सबसे पहले आप ही को भेज रहे थे, सब नहा के तैयार है लेकिन आप नहीं। कोई बात नहीं, हम नहाएंगे आराम से। यहाँ देखिए इधर बेसन का घोल है, इधर ये चक्का काट कर तैयार है, एकदम बड़े बड़े चक्के। बेचारी दिया साथ में दही दे दो कुछ, आपको बोलने का जरूरत नहीं, हम क्या देंगे नहीं देंगे आपको, क्या किसी को कुछ दो या नहीं तो हमको एक उत्तर दुआ दो। बिल्कुल नहीं देंगे कि अभी हमको बहुत लेट हो रहा है। ये देखिए आज का खाना एकदम गरम गरम, ठंडे ठंडे मौसम में एकदम गरम गरम खाना। तो तरुआ तैयार है, इधर है भुजिया, साग है, धनिया की चटनी है। ओए है, मन तो एकदम गदगद हो जाएगा खा के। तेरी पकौड़ा अच्छा बना है? पकौड़ा का साइज बहुत बड़ा है, बैगन बड़ा बड़ा रेडी कर दे। इतना आइटम देख के भी डैडी कंफ्यूज आते हैं किसमें से पहले उठाए। डैडी कहते थे पहले हम लोग जब अगर खाना खा लिए हैं पहले, फिर अगर मीट मछली आ गया घर में, जितना भात पहले खाए थे उतना ही भात फिर खाते थे। पापा को कुछ खराब नहीं लग रहा है? मर्द है, समझते हैं मूंछ का इम्पोर्टेंस। बड़ी बड़ी खूब देखियो पापा, आजकल तो वो मूंछ खत्म बचते, इतना बोले बेचारा। जी आज जो चर्चा का टॉपिक है वो है हमारे भाई का मूंछ। हम और जिया जो हैं अपने भाई की अच्छी खासी टांग खींच रहे हैं कि वो अपना मूंछ हटा ले, और लेकिन उसमें उनको जो है जिया के पापा का साथ मिल रहा है। तो भाई को भी लगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसी पर यह सब बहस चल रही है, हंसी मजाक नोक झोंक। 20 minutes later जी हम लोग अभी बैठे हुए हैं छत पर और कुछ देर से हम लोग धूप का आनंद ले रहे थे यहाँ पर, और अब हो क्या गया है कि धूप जो है अब खत्म है, बस ठंड लग रही है। तो हम लोग चलते हैं नीचे। नीचे जाने से पहले सोचा कि आपको दिखा देता हूँ कुछ फूल। ये फूल जो हमने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, जिसमें से कुछ फूल सूख गए हैं और कुछ फूल अच्छे खासे खिल रहे हैं। बाकी है मोहतरमा बैठी हुई है, तब चला जाए नीचे। इनकी रईसी जरा देखिए आप लोग भी। और यह जो है अपना एक सीरियल दिख रहा है, पंचायत, जबरदस्त सीरीज है, हमने तो देख लिया है और हमने इसने भी देख लिया है और अपने भाई को भी दिखा रहे हैं,
पकौली बाजार में चोरी हो गया। पकौली बाजार में चोरी हो गया। Tomorrow. अपन यहाँ देख सकते हैं पतिदेव अभी तक सोए हुए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ। ये देखो कि अब घड़ी में देख सकते हैं 7:16 हो चुका है। A few moments later. जी अब हम सो करके उठ चुके हैं। जी अपने काम पर लगी हुई है और अब हम भी अपने काम पर जाते हैं। ऊपर अच्छे से सब कुछ समेट देना, एक भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना फीस कट जाएगा। जो भी फीस मिलता है कट जाएगा। 3 hours later. वहाँ देख रहे हैं हमारे एक सब्सक्राइबर खड़े हैं, तो जब भी इनके यहाँ आते हैं ये हमेशा बताते हैं कि हमारे वीडियो देखते हैं। भाई क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। तो ये दीपक जी हमारी बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो जी अब हम पहुंच गए अपने घर। कुछ देर पहले आपने दिखा होगा अपने साली साहब के साथ थोड़ा बाहर गए थे खाने, तो साली साहब आए हुए हैं तो सोचे कि इनको जो यहाँ का जो सबसे अच्छा छोला भटूरा जहाँ मिलता है वहाँ लेकर के चले जाते हैं। तो भाई साहब भी खा करके आए। तो बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हमारी मैडम है वो साग काटने में व्यस्त है। अच्छे से चुनो, एकदम टेस्टी बनाना। कि हम बाहर का खाना अब नहीं खाएंगे लेकिन बाहर का खाना छोड़ ही नहीं सकते हैं। जी नहीं, आज साली साहब को चखवाना था तो हम भी थोड़ा चख लिए। वो आपका एक बहाना होता है, ठीक है? अच्छा, क्या बहाना होता है? ये है तो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, वो है इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, जब खुद अकेले जाते हैं तो फिर बताते ही नहीं है किसी को कि हम गए हैं। किसी को खिला देंगे, खुद नहीं खाएंगे। ऐसा कब आएगा वो दिन, पता नहीं। अच्छा, आ गया बस आज से। तुम्हारा कौन सा डिलीवरी आया हुआ है? डेटा कार्ड मंगवाया था बोट कंपनी का। लगता है कि जैसे रस्सी है, अनब्रेकेबल है। 2 साल का गारंटी। मांगेंगे 4 रुपए, इनका मालिक नहीं बनना चाहिए किसी। जितना आपके पास कैसे सब कर। जी यहाँ पर जो है देवर से मेरी ही शिकायत चल रही है कि मालिक बनना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। पतिदेव देते हैं 2 रुपया, वसूलते हैं 4 रुपया। तो जी आप देख रहे होंगे यहाँ कितना सारा सामान बिखरा हुआ है और दोनों बैठे हुए हैं। असल में हम अपने थंबनेल के लिए फोटो क्लिक कर रहे थे। जो सारा सामान नीचे से ढो करके लाए और फिर लेके जाना है। बिल्कुल। और इनसे फोटो क्लिक करवा रहे थे। तो जहाँ पर ये बैठा हुआ है वहाँ पर हम बैठे हुए थे और ये उस टाइम मोबाइल पकड़ा हुआ था। भले अभी हम वीडियो शूट करने के लिए हम इधर आ गए। उसे जो हमने घर का कुछ सामान खरीदा था उसका हमने वीडियो डाला था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है, थैंक यू जी। और मीशो का और भी कुछ वीडियो आना है। 3 hours later. जी जिया के पापा तो आज दोपहर में निकल गए और माँ आने वाली है घर में, तो माँ का फोन आया है कि पास के ही शहर में पहुँच चुकी है और हमें माँ को लेने जाना है। The next day. कलर तो अपने पसंद कर लिया है ना। मेरा ये सोनू का। ये सॉल तुम्हारा है और ये है मोनू के लिए। देवर का भी बढ़िया है। ये पूजा होगा ना अपने घर में उसी दिन पहले। मेरे हस्बैंड गला कपड़ा तो जी अभी आपने देखा कि जिया के पापा ने जो है मकर संक्रांति के अवसर पर हम सभी फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ कपड़े लाए हैं और साथ ही साथ ढेर सारी मिठाई दही। तो चलिए कुछ खाते हैं हम भी और आप भी खा लें। जब खाना सब लग जाए तो मेरे ससुर जी द्वारा जो मेरे लिए मिठाई लाया गया है वो मिठाई हमको चखाया जाए। ओहो, और ये दही लाया गया है जिया के घर से। यहाँ भी दही है, तो इतना दही है कि दही में नहा लेगी जी अब। और ये रहा जी तिलवा और तिलकुट। मकर संक्रांति का यही तो मजा है जी। और हम तिलकुट जो है जब तक अब खत्म नहीं होगा मेरा डाइट यही रहेगा। अभी हम बैठे हुए हैं माँ के पास और आप लोग का एक कमेंट लगातार आते रहता है जब से अपने भाई को हम अपने ब्लॉग में लाए हैं। तो एक सवाल रहता है कि भाई की शादी कब कर रहे हो?
तो कब कर रही है? अभी नहीं कर रही, जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा। अभी सिर्फ पढ़ लिख के तैयार हुआ है, दो पैसा कमाएगा। अच्छा, शादी करेंगे। हाँ, हम अभी करना उचित है। कर लो ना, दो को बहु हो जाएगी सेवा करने की। क्या सेवा का जरूरत नहीं ना है। अच्छा, सेवा के लिए अभी हम कोई जरूरी नहीं है। अभी हम 10 साल चल सकते हैं, उससे तो कोई बात नहीं है। किसी से किसी को कुछ जैसा सोनुआ है उसी सोनिया। बहुत बढ़िया। तो जिया का दूसरा नाम सोनिया हो गया। छठी का नाम मुनिया हो जाएगा। वो तो है ही मुनिया, भविष्यवाणी। तो मुनिया के अभी आने का कोई प्लान नहीं है। तो आप में से जिसका भी सवाल था तो उसका जवाब हमने दे दिया। तो अब इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, नामकरण हो गया। अच्छा, नामकरण हो गया है। तो जो भी आने वाली है उसका नाम मुनिया रहेगा, तो ध्यान रखिए। तो आज के व्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो को एक शेयर तो बिल्कुल कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।